आखिर काला क्यों है श्री राम लला की मूर्ति का रंग, आइए जानते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ देश के करोड़ों देशवासियों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरा देश राम में हो गया है और घर घर में श्री राम का पूजन हो रहा है। मंदिर के गर्भगृह में बाल स्वरूप राम की मूर्ति को स्थापित किया गया है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर मूर्ति देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है। चलिए इस वीडियो के जरिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं कि आखिर मूर्ति काली क्यों है। इतिहास के पन्नों में 22 जनवरी 2024 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों के साथ दर्ज हो गई है, क्योंकि यह वह दिन है जब श्री राम अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजे हैं। इसके साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है और हर शहर में मंदिर की आभा चमक रही है और राम भक्तों में खुशियों की लहर है। शहर शहरों को अयोध्या की भांति सजाया गया है और मानो कार्तिक मास में मनाई जाने वाली दीपावली पूस के महीने में ही लौट आई है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की 5 वर्षीय बाल स्वरूप मूर्ति को स्थापित किया गया है जो कि काले रंग में है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में मूर्ति का रंग काला ही क्यों है? यदि नहीं तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। मूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम श्री राम मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आपको बता दें कि मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगी राज द्वारा किया गया है। वही मूर्ति में श्री राम को 5 वर्षीय बाल स्वरूप में दिखाया गया है जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक और एक आभा मंडल भी बनाया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई है जिसे योगी राज द्वारा मूर्ति का रूप दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस समय मूर्ति का निर्माण हो रहा था तब ये कार्य अति सुरक्षा के बीच किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मूर्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। काले रंग में ही मूर्ति क्यों? अब सवाल है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है? दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम का श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वही जिस शिला में मूर्ति का निर्माण किया गया है वह काले रंग की है। ये शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी है। हिंदू धर्म में अभिषेक का चलन, ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का चलन है जिसके तहत मूर्ति का दूध और जल से अभिषेक करने के साथ मूर्ति पर सिंदूर और रोली लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में श्यामल वर्ण की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक यथास्थिति में ही रहेगी। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि ये 1000 सालों तक अपने मूल रूप में बना रहेगा और मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। क्या है मूर्ति की खासियत? रामलला की इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट के करीब है। इस मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। वो MBA करने के बाद नौकरी कर रहे थे, फिर नौकरी छोड़कर उन्होंने मूर्तिकला शुरू की। मूर्तिकला उन्हें विरासत में मिली है। पुजारियों का क्या है मत? धर्म के ज्ञाता और मंदिरों में भगवान की सेवा करने वाले पुजारी भी श्यामल वर्ण को शुभ मानते हैं। रायपुर के पुजारी जितेंद्र शर्मा कहते हैं कि जिस काले पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। श्यामल वर्ण के श्री राम की मूर्ति के सामने जाते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।
कृष्ण शिला के दर्शन मात्र से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो को अपनी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल अल्फाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाकर सेट कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।